सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो रिसेंट कुछ टाइम में मैंने पल्सर NS250 के ऊपर एक वीडियो डाला था कि आने वाले कुछ टाइम में पल्सर NS250 जो है लॉन्च होने वाली है और उसके बारे में जो है मैंने सभी डिटेल्स शेयर किए थे। तो उस वीडियो के ऊपर मुझे पल्सर RS250 के लिए काफ़ी पूछा गया था एंड पल्सर RS250, RS400 ये बाइक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सो मैं आपको इसके ऊपर जो है इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। आई थॉट कि जो उसका कन्फर्मेशन एंड क्लियरेंस जो मैं इस वीडियो में दे दूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मेन जो बात करेंगे वो रहेगा पल्सर RS250 के ऊपर। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि पल्सर RS400 जो है वो नियर अबाउट 2015 में शोकेस हुआ था एंड वो जो कॉन्सेप्ट है तभी रिवील्ड हुआ था। बट उसके बाद में जो है बाइक को लॉन्च नहीं किया। आयुष्मा 2016 में उसको जो है शोकेस किया गया था बट उसको बाद में लॉन्च नहीं हुआ बिकॉज बाइक के अंदर कुछ टेक्निकल जो है एरर था, जो बाइक कंप्लीटली रेडी नहीं हुई थी। उसके लिए जो उसको मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लाया गया और जो उसका जो है बाकी बाइक का प्रोडक्शन हुआ नहीं। बट बजाज के पास पल्सर RS400 जो है रेडी है। सो ये बात नहीं है कि मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है, बाइक है उनके पास बट जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम था इसके लिए जो फाइनल प्रोडक्शन जो मॉडल है वो तैयार हुआ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पे बाइक लॉन्च हुई नहीं। बट अभी दोस्तों अगर मैं बात करूँ पल्सर RS250 की तो अभी तक यानी कि कुछ टाइम पहले तक यानी कि मैं कह सकता हूँ कि Feb 2020 तक बजाज के पास कोई एक 250cc का इंजन नहीं था। बाद में फेब के आसपास जो बजाज ने लॉन्च किया डोमिनार 250 एंड उसमें दोस्तों बजाज ने यूज़ किया KTM ड्यूक 250 का इंजन जिसको थोड़ा सा रीट्यूनिंग किया गया, थोड़ा बहुत जो उसके अंदर कंप्रेशन रेशियो चेंज करके उसके पावर थोड़ी सी रिड्यूस करके बजाज ने जो है उस इंजन को यूज़ किया डोमिनार 250 एंड दैट बाइक वॉज वंडरफुल। लाइक काफ़ी लोगों ने उस बाइक को पसंद किया बिकॉज ऑलरेडी डोमिनार 400 मार्केट में थी। सो उस बाइक का लुक्स एंड डिज़ाइन लोगों को पसंद था, परफॉर्मेंस पसंद था। तो वो परफॉर्मेंस जो है बजाज ने ट्राई किया टू पुट इन डोमिनार 250 ना स्मॉलर इंजन एंड वो बाइक भी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसका रिव्यू किया है, इनकेस देखना तो देख लेना। बट दोस्तों अब मैं बात करता हूँ अबाउट RS250। तो दोस्तों ये सब चीज़ें होने के बाद अब दोस्तों आज की तारीख में बजाज के पास एक 250cc का इंजन है और अब डोमिनार 250 को लॉन्च करने के बाद दोस्तों ये बात तो क्लियर हो गई है कि बजाज जो है 250cc में भी जो अपनी बाइक्स को लॉन्च कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो उसमें यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि नेक्स्ट टाइम में NS250 एंड RS250 जो लॉन्च हो जाए। अब दोस्तों अगर एज ऑफ नो अगर कोरोना वायरस का जो है यहाँ पे लॉकडाउन नहीं शुरू होता तो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे जो है अफेक्ट नहीं हुआ पड़ता, लेकिन अभी सब चीज़ें बंद है, लॉकडाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रुक चुका है, जो है मैन्युफैक्चरिंग रुक चुका है, लेबर जो है अपने घर पर चले गए। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से जो है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर काफ़ी बड़ा जो है इम्पैक्ट आया, काफ़ी सारे बाइक्स ने अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। तो ये दोस्तों जो है डिले होने वाला है। बट अगर दोस्तों ये ना होता तो अभी तक शायद यानी कि जुलाई तक या फिर सितंबर तक जो है आपको इस बाइक का एक कंफर्म्ड लॉन्च डेट मालूम पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, NS250 या फिर आपको RS250 के ऊपर जो है कंफर्मेशन न्यूज़ तो मिली जाती है कि बाइक कब तक आएगी और क्या रहेगा। बट एज अवन दोस्तों कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन अब दोस्तों क्योंकि ये सब चीज़ें लेट हो चुकी है तो यहाँ पर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि January 2021 तक ये जो बाइक है आ सकती है इंडियन मार्केट में। और अगर सब चीज़ें अच्छी हुई तो हो सकता है कि NS सबसे पहले लॉन्च हो जाए, बजट जो है सबसे पहले NS को लॉन्च करेगा, आई थिंक उससे बाद में जो है RS250 को रिवील करेगा। बट दोस्तों एक चीज़ तय है कि यहाँ पे क्योंकि बजाज के पास एक 250cc का इंजन तैयार है तो ये बाइक के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों एक बार अभी आपसे जो मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग वगैरह जो है डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या आपको इंजन स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट प्राइसिंग। तो दोस्तों इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस है वो है 1,65,000 रुपीज़, जो कि डोमिनार से यानी कि डोमिनार 250 से 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो NS और जो RS सीरीज है थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, मेनली RS सीरीज बिकॉज RS फुली फेयर बाइक आती है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक है। ऑल्सो RS में आपको जो प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है तो उसका भी जो है कॉस्ट इंक्लूड होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो कॉस्ट है वो 1,65,000 रुपीज़ रहेगा एक्सशोरूम। ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इंजन की बात करूँ तो आपको इंजन सेम मिलने वाला है जो आपको डोमिनार 250 मिलता है, दैट इज़ 248cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHS इंजन। और ये इंजन मैक्सिमम पावर प्रोवाइड करेगा 28 PS एट 8,500 RPM एंड मैक्स आपको टॉर्क मिलेगा 23.5 Nm एट 6,500 RPM। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका टॉर्क एंड पावर फिगर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है डोमिनार जितना, बिकॉज आई थिंक 1 या 2 BHP का फर्क आ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 27 और 28 PS का आपको पावर मिलने वाला है। बिकॉज RS 200 में आपको जो है नॉर्मली 25 PS का पावर मिलता है एंड BS6 वेरिएंट, तो यहाँ पे दोस्तों पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 BHP का इंक्रीज होगा, बाकी कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। ब्रेकिंग की बात करूँ दोस्तों तो अभी भी आपको जो है ड्यूल चैनल ABS मिलता है और RS 250 में भी आपको ड्यूल चैनल ABS मिलने वाला है, लेकिन एक चीज़ दोस्तों चेंज होने वाली वो है
डिस्क साइज़ दैट इज़ आपको RS में जो है नियर अबाउट 290 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। इसके अंदर आपको मिलने वाला है 320 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक, फ्रंट में रियर में मिलेगा 230 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक। और साथ ही साथ उसका जो टायर साइज हो सकता है उसको भी ज़्यादा बड़ा दे, क्योंकि जो फ्रंट टायर है वो आपको मिलेगा 110/80 का, रियर टायर आपको मिलेगा 140/70 का। काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है और हो सकता है कि 150 का भी टायर यूज़ करे बजाज, बट बोल नहीं सकते बिकॉज 150 का टायर अभी तक बजाज ने कोई भी बाइक में यूज़ नहीं किया है। सो दैट्स इट। बाकी दोस्तों सस्पेंशन वगैरह जो है सेम रहने वाले, जो आपको टिपिकल बजाज बाइक में मिलता है। फ्रंट में मिलेगा आपको 37 mm का अपसाइड डाउन फोक्स और USD फोक्स रहेंगे, काफ़ी सारे चांसेस है। रियर में आपको मिल जाएगा मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर, जो कि मे बी 77 mm का डायमीटर के साथ में आपको मिलेगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बाइक के माइलेज की, तो इस बाइक का जो सिटी माइलेज है वो एस्टिमेटेड आपको मिलने वाला है नियर अबाउट 30 km/L, बिकॉज RS 200 जो है वो आपको 35 का एवरेज देती है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको 30 तक का एवरेज मिल जाए, एंड आई गेस अगर 30 तक का एवरेज मिलता भी है तो एक 250 cc इंजन के ऊपर आपको 30 का माइलेज काफ़ी अच्छा है इन सिटी। और ऑब्वियसली आपका हाईवे पे माइलेज थोड़ा इंक्रीज होगा, मे बी 32 और 33 km/L। सो दोस्तों ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन वाइज डिटेल्स। अब लॉन्च डेट की बात करूँ, वैसे अब तो आपको बता ही दिया कि जनवरी 2021 तक इसके सारे काफ़ी सारे चांसेस है, और अगर सब चीज़ें अच्छे से होती है तो मे बी नवंबर या फिर आपको दिसंबर तक भी ये बाइक देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों ये मेनली डिपेंड करेगा ऑन लॉन्च ऑफ NS 250, बिकॉज उसी के बाद जो है यहाँ पे RS का कोई कंफर्मेशन आएगा। सो बस NS के लिए वेट कर सकते हो दोस्तों। NS की भी पॉसिबिलिटीज़ है कि सितंबर और नवंबर में हो सकता है बाइक रिवील हो जाए। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थे कुछ डिटेल्स जो मेरे पास एज ऑफ नो RS 250 के ऊपर थे। और रही बात दोस्तों RS 400 की, तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में डाल देना अगर आपको चाहिए वो वीडियो। तो और आप दोस्तों आपके ओपिनियन बता देना ऑन पल्सर RS 250 अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो। और यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चाहो तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ से हम जो ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते। ID स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, फॉलो लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो बस दोस्तों मैं मिलूंगा कल आपको हमारे नए वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। I'm not the one who's running out of time.